अरे यार, नबार्ड का फेस टू का एग्जाम आने वाला है। मेरा तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है और मेरे दोस्तों का तो ऑलरेडी रिवीजन भी हो गया होगा। अब मैं क्या करूं? अरे तू टेंशन मत ले, ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हाई चांसेस है कि अगर ये तू करे तो फेस टू निकल जाएगा। थैंक अरे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक तो दे दे, तुझे तो पता लग गए। अब इन स्टूडेंट्स को तो बता दूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुज जिंदल डॉट इन। टुडे हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर नाबार्ड फेस टू 2022 विच आई जस्ट नाउ शेयर्ड विथ माय फेलो स्टूडेंट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन क्लियरिंग द फेज टू ऑफ 2022। ओके, सो रादर देन डायरेक्टली जंपिंग ऑन द टॉपिक्स फॉर द फेज टू, लेट्स अंडरस्टैंड दैट वॉट आर द ऑब्स्टेकल्स फॉर द जनरल एस्पिरेंट। ओके, जो भी एक जनरल एस्पिरेंट होता है वो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता है, तो उसके लिए ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं, उसके पीछे क्या क्या चीजें लग जाती है और वो किसके पीछे होता है, राइट? सो वॉट इज आफ्टर द एस्पिरेंट एंड आफ्टर वॉट द एस्पिरेंट इज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो एस्पिरेंट के पीछे होता है सिलेबस, एस्पिरेंट के पीछे होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एस्पिरेंट के पीछे होते हैं फैमिली रिलेटिव्स, उनका प्रेशर, जॉब और करियर का प्रेशर। ओके, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा प्रेशर, am I right? So everything is after the aspirants and aspirants is just running like a Jack Sparrow, am I right? So if you see, aspirant is always running and he keeps on running in this preparation phase and he is also after something. And what is he after? He is after clearing the exams. He is after that seat for which he is fighting for the various governmental exams. Now, in aspirant is not just after these seats or clearing the exam. Most importantly, he is also after one of the most important treasures in this exam, and that is important topics which are going to repeat or which are having higher probability which would be repeated in the exam. तो ऐसे कुछ आज टॉपिक देख लेते हैं जो कि एस्पिरेंट को चाहिए ही चाहिए। ओके, सो ऐसे कुछ टॉपिक आज डिस्कस कर लेते हैं कि एस्पिरेंट वुड नीड इट टू क्लियर नाबार्ड फेज टू 2022। सो द हियर वी आर गोइंग टू सी दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ESI स्टैटिक एंड करंट एंड ARD स्टैटिक एंड करंट। ओके, हम सबको नाबार्ड फेज टू का एग्जाम पैटर्न भी पता है। ओके, सो वी नो दैट विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सो फर्स्ट पेपर वन, दैट इज जनरल इंग्लिश, पेपर टू ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, एंड ऑल दिस क्वेश्चंस, देयर वुड बी सर्टन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस ईयर ऑफ 2022 फेज टू नाबार्ड एग्जाम। ओके, सो लेट्स जंप इन विद आवर फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज ESI, और उस ESI में लेट्स सी इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स। सो स्टैटिक टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 टिल LPG। ओके, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो इट मे बी इधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ओके, और हाईली इट वुड बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अगर एग्जांपल ले ले तो बैंकिंग, कोई भी बैंकिंग रिफॉर्म्स आ सकता है, या फिर कोई भी WTO के रिगार्डिंग, या फिर ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, या फिर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, देन प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक्स हो सकते हैं। ओके, देन इज एग्रीकल्चर बिफोर 1991 एंड आफ्टर 1991, ESI का ही पार्ट। ओके, सब टॉपिक वुड बी एग्रीकल्चर। ओके, सो ये भी आपको कोई भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबल टॉपिक। देन इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रिगार्डिंग ऑल्सो MPC, या फिर और बहुत सारे इन्फ्लेशन के सब टॉपिक्स है, उसके अंडर कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। एंड देन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट डिबेट तो हमें सबको पता है, फ्रॉम ग्रोथ टू डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। देन सोशल इशूज, ऑफकोर्स सोशल इशूज के ऊपर ऐसे भी आ सकता है, एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, एंड देन इज फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हाईली प्रोबेबल टॉपिक्स फेज टू 2022 के लिए है। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट ESI स्टैटिक, नाउ लेट्स मूव टू ESI करंट। अब ESI करंट वुड बी ऑल द करंट रिलेटेड न्यूज और वट एवर करंट रिलेटेड हॉट टॉपिक्स वर देयर फॉर लास्ट वन ईयर। सो उसमें क्या क्या है? गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट इंडाइसेस एंड सर्वेज, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड जो भी अपडेट थे वो, देन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, बजट इकोनॉमिक सर्वे, PLFS, NFHS, Census, these type of all surveys, okay, ये उसके सब topics या फिर examples है surveys के, then international and regional organizations, इसमें WTO, IMF, World Bank,
एडीबी एनडीबी ब्रिक्स ये सारे एसोसिएशन आ जाते हैं. सो इससे रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो सकता है. देन कम्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, ऑल द इश्यूज विच वेयर इन न्यूज फॉर द वन ईयर. देन इंपॉर्टेंट एमओयूज विच वेयर साइंड बाई इधर मिनिस्ट्री और इधर एनी डिपार्टमेंट. एंड देन जीडीपी फोरकास्ट. अब ये जीडीपी फोरकास्ट बहुत सारे रिपोर्ट्स में भी हो सकते हैं या फिर बहुत सारे इंडेक्सेस में भी हो सकते हैं. ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट ईएसआई स्टैटिक आल्सो एंड करंट आल्सो. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर्टिकुलरली फॉर द ईएसआई. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज एआरडी. अब एआरडी स्टैटिक में देखते हैं क्या क्या है. वी ऑल नो 2021 में एआरडी का कंपल्सरी क्वेश्चन आया था विच वॉज बेस्ड ऑन क्रॉस ब्रीडिंग. ओके, एंड दैट वॉज टोटली अ स्टैटिक क्वेश्चन, लिटिल बिट एप्लीकेशन ओरिएंटेड. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आना बनता है. ओके, सो एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन, सॉइल साइंसेस, फिशरीज, सीड्स, फॉरेस्ट्री, इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सेस, फार्मिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, रूरल डेवलपमेंट एंड पीआरआई. ओके, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. तो एनिमल हस्बेंड्री में ब्रीडिंग, ब्रीड्स, डिसीजेस एंड वैक्सीन, दीज टॉपिक्स आर बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. ब्रीडिंग और ब्रीड्स के ऊपर पिछले साल ऑलरेडी आ चुका है. देन हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन में हॉर्टिकल्चर के क्लासिफिकेशन, वेजिटेबल फ्रूट्स, प्रोपोगेशन, पोस्ट हार्वेस्ट. ओके, पोस्ट हार्वेस्ट में स्टोरेज, मार्केटिंग, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं. सॉइल साइंसेस, क्लासिफिकेशन, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल इरोजन, कंजर्वेशन और थोड़े सॉइल के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. फिशरीज, फिशरीज की ब्रांचेस, क्लासिफिकेशन, टाइप्स और अगेन पोस्ट हार्वेस्ट भी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. सीड्स के रिलेटेड, सोइंग, जर्मिनेशन, सीड प्रोडक्शन एंड सर्टिफिकेशन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन कंटेक्स्ट ऑफ सीड चैप्टर. फॉरेस्ट्री का सेम है, क्लासिफिकेशन, ब्रांचेस और लेजिस्लेशन, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वगैरह, ये भी कभी कभार क्वेश्चन शायद से नाबार्ड में रिपीट हो सकता है. देन कम्स इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सेस, इरीगेशन मेथड्स, प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स. ओके, ये हो गया इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक. फार्मिंग सिस्टम्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, इसमें से टाइप्स और पैटर्न्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो पता नहीं इंटरक्रॉपिंग पे भी सवाल आ सकता है. ओके, मल्टी क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऐसे सवाल आपको क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम से आ सकते हैं. रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसके लिए सब टॉपिक्स देयर वोंट बी एनी, बिकॉज वट एवर इफ एनी इंफॉर्मेशन, एनी न्यूज फॉर दैट करंट ईयर वुड बी इफ इन news, then that question would be asked from the Rural Development and Panchayati Raj Institution. Okay, तो ये हो गया आपका ARD static. Now let's move to ARD current. Okay, now ये क्या हो गया आपका ARD current है. So ये हमारा ARD current है. So ARD current, तो ARD current में क्या क्या important है. माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट, सो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के hardly 6 to 7 reports hai. Now these reports become very very important, as well as if any governmental scheme or any departmental or ministry activity regarding agriculture for that particular year, that becomes important from current perspective. So microfinance report bahut hi important hai NABARD ke point of view se. NABARD annual report important, livestock census, agriculture census, handloom census and NAFIS survey, ye aapke sare reports and surveys hai. Apart from these reports and surveys, whatever current related information or news which was there for last one year, that becomes very very important, on which any objective question may come into the exam. Okay, so with this I think we have covered almost both the subject ESI as well as ARD and important topics which would be highly probable in the NABARD phase 2 of 2022. Okay, to aisi ye jo important topic ki sheet hai वो मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को दे रहा हूं. नाउ इट्स ऑन यूरसेल्फ दैट आर यू प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस. ओके, सो अगर आपका सिलेबस पहले ही कवर हो चुका है एंड इन दिस वन मंथ यू कैन ऑल्सो रिवाइज इट, देन ऑफकोर्स यू कंप्लीट द सिलेबस, यू रिवाइज इट एंड देन गो आफ्टर दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बिकॉज दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर चेरी ऑन द केक. ओके, बट अगर आपका टॉपिक जैसे कि मेरी स्टूडेंट थी उसकी तरह अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड इफ यू आर फीलिंग दैट अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, व्हाट वुड यू डू इन सच सिचुएशन व्हेन द सिलेबस वोंट बी कंप्लीटेड, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस वॉट एवर वीडियो वी हैव मेड that seriously, and you should cover these topics on priority basis, and then you should try to complete your remaining syllabus or revise it. Okay, so we all know that in a dream to be from aspirant to officer, okay, so there is a whole ocean of
नॉलेज ऑल्सो, क्वेश्चन ऑल्सो, एज वेल एज सिलेबस. एंड वेन वी गो फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जाम, दैट इज फेज वन, फेज टू, इंटरव्यू, सो वी डोंट नो वॉट टू डू एट वॉट टाइम, ओके, एंड हाउ मच टू डू. सो दैट्स वाई दिस वीडियो वॉज अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, सो वी सॉ कि एस्पिरेंट के पीछे बहुत सारी चीजें होती है विच आर रनिंग आफ्टर हिम, एंड एट द सेम टाइम एस्पिरेंट इज ऑल्सो रनिंग आफ्टर मल्टीपल थिंग्स, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज वन ऑफ देम. ओके, सो एज दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आर नाउ विथ यू, आई थिंक यू, there is very high chance that you can become aspirant to officer and you could sail through this phase 2 of NABARD 2022. Okay, so utilize your time properly, make a schedule and try to take out and devote maximum hours for study and prepare these important topics, because we have hardly 1 month left in our hand for phase 2. Okay, so best of luck for phase 2 and do keep a tab on these important topics. Thank you.